अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल केक। पाइनएप्पल केक हम फ्रेश पाइनएप्पल के साथ बनाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बोल ले लेना है। बोल में मैंने 1 फुल कप भरकर प्रीमिक्स का ऐड किया है और उसे छान लिया है। 1 कप पानी लिया है। पानी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे जिससे कि लम्स ना बने। इस तरह का बैटर रेडी कर लेंगे। अब 1/2 टीस्पून मैंने पाइनएप्पल इमल्शन ऐड किया है और 1 टीस्पून भरकर ऑयल ऐड किया है और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। बैटर रेडी हो गया है। मैंने पैन लिया है, 4 इंच का पैन है, तो मैंने ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। बैटर को उसमें पोर कर दें। और अच्छी तरह से टैप कर लें, साइड बाय साइड भी हिलाएं इसको और बेक करने रख दें 180 डिग्री सेल्सियस 20 to 25 मिनट्स के लिए। केक बेक हो गया है और मैंने नाइफ से चेक कर लिया है या आप टूथपिक से चेक कर सकते हैं। और साइड बाय साइड में इसको ऐसे पैन से निकाल रही हूँ। ये देखिए केक ने खुद ही वेस्ट छोड़ दिया था और कितना ईजिली निकल गया है। स्पंज को ठंडा होने के लिए रख दीजिए साइड में। अब मैं पाइनएप्पल को कट कर लेती हूँ। हम इसको थोड़ा थिक कट करेंगे क्योंकि इसके चंक्स बनाएंगे और कुछ को हम थिनली स्लाइस करेंगे क्योंकि हम इसे बेक करेंगे। पाइनएप्पल फ्लावर्स 10 to 15 मिनट्स में रेडी हो जाएंगे और अच्छा कलर आ जाएगा और हम इसे केक डेकोरेशन करेंगे। और पाइनएप्पल को हम चॉप कर लेते हैं, बहुत छोटा छोटा कट करना है। केक भी हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको मैं कट कर रही हूँ, ऊपर की लेयर को हटा देंगे और 3 लेयर्स में मैंने इसको कट किया है। इस तरह आप 3 लेयर्स में कट कर लें और बहुत ही सॉफ्ट बना है। अब मैंने फर्स्ट लेयर को रखा है और मैंने पाइनएप्पल क्रश का सिरप बना लिया है। अब मैं सिरप को कॉर्नर्स पे अच्छी तरह से लगाऊंगी, इससे सॉफ्ट हो जाएगी कॉर्नर्स। बीच में भी थोड़ा लगा दें, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। व्हिपिंग क्रीम मैंने रेडी करके रखा था। मैंने पैलेट नाइफ की मदद से अब इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। कॉर्नर्स में भी लगाते जाएंगे, हम क्रम कोट करते जाएंगे। पाइनएप्पल क्रश ऐड करें और अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें। और पाइनएप्पल जो हमने चॉप किए थे वो भी इस पर ऐड करते जाएं। सेकेंड लेयर को भी रखेंगे और हम पाइनएप्पल क्रश का सिरप जो बनाया था उससे सोक करते जाएंगे कॉर्नर्स को अच्छी तरह से। व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे और अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। क्रीम को अच्छे से लगाएं और स्प्रेड करते जाएं और क्लीन करते जाएं साइड्स में। हम मैंने पाइनएप्पल क्रश को ऐड किया है। सेम प्रोसेस से थर्ड लेयर को भी हम ऐड कर देंगे। थर्ड लेयर लगा दिया है और अब मैं व्हिपिंग क्रीम से नीटली इसको क्लीन करते जाऊंगी। पहले क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट करने के बाद मैंने फिर से व्हिपिंग क्रीम लेकर अच्छी तरह केक को क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद आप अच्छे से डिज़ाइन दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, जैसे भी आपको डिज़ाइन देनी है आप दे सकते हैं। क्रीम बैग में मैंने क्रीम ऐड कर लिया है और मैंने इसमें इमल्शन ऐड किया है कलर देने के लिए। या मैंने कुछ फ्लावर्स की डिज़ाइन बनाई है। आप चाहें तो आप जैसे पसंद करें, जो डिज़ाइन अच्छे लगे आप वो बनाएं। और मैंने जो बेक किए थे पाइनएप्पल के फ्लावर्स बनाए थे वो भी ऐड कर दिए बीच में और चंक्स को मैं साइड में लगाती जा रही हूँ। अब नीचे मैं ऐसी डिज़ाइन बना रही हूँ, आप जो पसंद करते हो, जैसे पसंद करते हो वो डिज़ाइन बना लें। और ये देखिए हमारा केक रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही मॉइस्ट बना था और आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।